देखिए जमीन को सप्लाई भेजेगा नहीं तो कैसे काम करेगा? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एंड मेरा नाम है अरुण। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका एक इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर, 36 वोल्ट का 250 वाट का मोटर, कुछ कंपनी उनको बोली कि ये रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसका सेंसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने मुझे बोला। तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैंने एक वीडियो में ड्रॉप किया था मेल आईडी, मैंने बोला था कि अगर किसी का मोटर रिपेयर करने के लिए है, रिपेयर करवाना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं, हमें मेल आईडी मेल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मेल किया था एंड उनका नाम है निशांत शर्मा, वो दिल्ली के रहने वाले, जिन्होंने मुझे वो मोटर भेजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है उनका मोटर। इनका कहना है कि ऑयल सेंसर में प्रॉब्लम आ रहा है एंड बॉडी फिटिंग तो ठीक लग रहा है। तो इसे ओपन करने से पहले हम डिवाइस को लगा करके चेक कर लेते हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इस मोटर में। ये रहा हमारा ईवाई टेस्टर डिवाइस, सो हम इससे चेक करने वाले हैं। एंड एक मैंने ये कन्वर्टर बनाया है, 6 पिन वाला मेल एंड इधर एक कंट्रोलर का वायर था जो मोटर वाला, वो मुझे मिला स्पेयर में पड़ा था तो उसको कट करके ज्वाइन मार करके मैंने बना दिया। सो इसे लगा लेते हैं इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है घुमाने पर, मीन्स सेंसर को फाइबर सप्लाई मिल ही नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। सो देखते हैं ओपन करके। एक दो तीन, तीनों सेंसर्स भी तोड़ दिए गए हैं एंड पीसीबी थोड़ा सी टूट चुकी है, पीसीबी भी यहाँ पे। सो इसका फुल पीसीबी का काम है एंड सेंसर्स भी चेंज करने पड़ेंगे एंड मुझे मैग्नेट के अंदर से कॉइल भी बाहर निकालना पड़ेगा तभी ये सेंसर्स निकल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सारे टूट गए हैं, इसे पॉइंट निकालने के लिए मिलेंगे नहीं, तो मुझे ये खोल करके निकालने पड़ेंगे। तो पहले ये प्लेनेटरी गियर बॉक्स गियर निकाल लेते हैं असेंबली पूरा, उसके बाद फिर कॉइल को निकालते हैं। रिवर्स मोड फ्लैट वाइट वाला जिसे इसका मशीन निकाल के थोड़ा दिखा असेंबली। थोड़ा रस्ट लग के जाम हो चुका था इसलिए नहीं निकल रहा था, अभी निकल चुका है। तो सेंसर्स तो निकल गए हैं तीनों अपने पोजीशन से, अभी इन्हें हम डायरेक्ट सोल्डर मारते हैं। सोल्डर मारने से पहले हम इनकी वायरिंग, जो यहाँ पे वायरिंग सोल्डर हुई है, वो वायरिंग को चेक करेंगे कि यहाँ से वायरिंग का ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक दिख रहा है, ट्रैक यहाँ तक कंप्लीट है क्या, बीच में से कहीं ब्रोकन तो दिख तो नहीं रहा, कहीं से ब्रोकन है टूटा हुआ है, बट फिर भी हमें कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ेगा एक एक इंडिविजुअली कि इस वायर का सप्लाई कंटिन्यूटी यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसके बाद ही हम सेंसर को लगाएंगे। ओके, ओहो यहाँ पर पानी गया था, पीसीबी के अंदर पानी क्या है जिसकी वजह से ट्रैक शॉर्ट हुए थे। देखिए पहला ही जो है ये पावर उसका 5 वोल्ट वाला पॉजिटिव सप्लाई वाला, इसको इनपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पे इनपुट नहीं आ रहा है बट यहाँ पे इनपुट आ रहा है,
जब इनको सप्लाई मिलेगा नहीं तो सेंसर कैसे काम करेगा? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तीनों ब्लू वाला यहाँ पे है। सिग्नल्स वाले प्रॉपर है, ग्राउंड भी प्रॉपर है, प्रॉपर कनेक्शन है, बस जो पॉजिटिव सप्लाई वाला ट्रैक है वो डैमेज हुआ है, सिर्फ इसके पास जा रहा है, इन दोनों के पास नहीं जा रहा। तो हमें यहाँ से जंपर मारना पड़ेगा, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये पॉजिटिव सप्लाई के वायर में डायरेक्ट। देखिए ये जो चीज़, ये जो दिख रहा पॉइंट यहाँ पे, ये जो पैड होता है ट्रैक पैड ही उखड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर और यहाँ पर सप्लाई नहीं जा रहा, बट यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे हम शोल्डर मार के देखते हैं, अगर यहाँ मारने से हो जाएगा शोल्डर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जंपर मारेंगे डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से लेकर के इसके, इसको सप्लाई देंगे, फिर इसको सप्लाई देंगे, एंड फिर शोल्डर मारने के बाद फिर हम तीनों को चेक करेंगे बराबर है, उसके बराबर होने के बाद फिर सेंसर में लगाएंगे। सो ये ट्रैक को शोल्डर मारने पर यहाँ पे जो ट्रैक निकला था बीच वाले सेंसर के बीच में, वो ट्रैक का शोल्डर मारने के बाद भी इन दोनों को पावर सप्लाई सोर्स नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हमें यहाँ से एक जंपर वायर उठा के यहाँ पे डायरेक्ट मारना पड़ेगा, एंड एक यहाँ पे मारना पड़ेगा डायरेक्ट जंपर वायर। ये हमारा जंपर मार के हो गया, एक ये वाले रेड वाले वायर से यहाँ पे पीछे वाले सेंसर को, और एक यहाँ से वायर, एक यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, परफेक्ट। और इसके पास तो आ ही रहा है, एंड ग्राउंड, ग्राउंड ये भी ठीक है, ब्लू वाला सेंसर ये है, येलो वाला ये है, एंड येलो वाला ये, एंड ये लास्ट वाला वाइट वाला ये है, शायद यहाँ से वायर कटा हुआ हो, सो ये भी चेक करना एक बार ज़रूरी है। येलो वाला है, मतलब ये सारे वायर्स भी ओके हैं, कहीं से कटा हुआ वायर नहीं है अंदर से, ये पीसीबी के यहीं से ट्रैक का जंपर उखड़ा हुआ था, अभी ये भी लगा के हो गया, अभी हम फिटिंग करके मैग्नेट भी लगा करके फिर चेकआउट करते हैं सेंसर क्या आउटपुट प्रॉपर आ रहा है क्या हमारे डिवाइस के ऊपर। सेंसर को एक बार वापस से चेक कर लेंगे, पोजिशन बैठ गए हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने पोजिशन से बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट, एंड फिटिंग करते हैं। चेक कर लेते हैं डिवाइस से, तीनों लाइटें ब्लिंक कर रही है बारी बारी से, मीन्स मोटर ओके हो गया, मोटर का सेंसर। ये छोटी छोटी बातें होती है जो रिपेयरिंग करने वाले चेक नहीं करते हैं, जैसे पीसीबी का ट्रैक टूट गया, या तो फिर कभी क्या होता है एक सेंसर का एक लैग टूट जाता है और उसकी वजह से एरर आता है, पर चेक नहीं करते अच्छे से लोग।
इसी में फिटिंग करते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक एक करके एलईडी ग्लो कर रही है, मीन्स मोटर जो है ओके हो चुका है, परफेक्टली कंडीशन में आप इसे चला सकते हो साइकिल में। 36 वोल्ट 250 वाट का मोटर है ये, एंड रेडी हो गया